हेलो मेरे पिकॉक प्रेमियों, आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ। कहते हैं ना, पंख होते तो उड़ जाती रे। बेचारे पिकॉक के पंख भी हैं, उड़ के पेट पर भी बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस समय बारिश के साथ साथ हवा चल रही है, बिल्कुल ठिठरा हुआ, सर्दी में मरता हुआ ये खूबसूरत पक्षी दोस्तों, मैं मेरे घर में बैठा बैठा इसको वीडियो बना रहा हूँ। घर के सामने ही एक पेड़ के सूखी एक टहनी है, उस पर बैठा हुआ है। और इसकी खूबसूरती है, अभी इसके पंख के नीचे एक तोता पैरेट भी आके बैठेगा बरसात से बचने के लिए। दोस्तों, पिकॉक को सबसे ज़्यादा यदि दिक्कत आती है तो वो स्थिति है जब पिकॉक पेड़ पे होता है और तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना बड़ी मुश्किल का होता है। दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को भी दोस्तों ऑन कर लेना। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त हैं जो पिकॉक्स के वीडियो देखना पसंद करते हैं, पिकॉक के पंख लेना पसंद करते हैं। पंख तो मैं बहुत सारे दे दूंगा, दीपावली के बाद मैं आऊँगा गाँव से, इतना लेके आऊँगा जितना दिल्ली में किसी को चाहिए तो जितना चाहो ले लेना, वो भी फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसा नहीं दोस्तों। पिकॉक के जो पंख चाहिए, देखो अब भीगा हुआ है पूरा पिकॉक, भीगा हुआ है, शांत बैठा हुआ है बेचारा। ऐसे ये खूबसूरती पानी में थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से वीडियो की खूबसूरती जरूर बढ़ेगी दोस्तों। पिकॉक की खूबसूरती तो कभी कम हो ही नहीं सकती। बारिश कभी भी बंद हो जाएगी, फिर हवाएं चल रही हैं, हवा चलेगी, धूप खिलेगी, साफ हो जाएगा, पंख और खूबसूरती लेकर निखरे। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार फेसबुक पर जरूर शेयर कर देना।